सो गुड मॉर्निंग, आज हम लोग UG ZY 103 के ब्लॉक वन जेनेटिक्स में जो लास्ट टॉपिक है डोजेज कंपनसेशन, उसके बारे में एक लेक्चर्स देखेंगे। इस यूनिट में दो टॉपिक्स अभी बची हुई है, सेक्स क्रोमेटिन बॉडीज एंड डोजेज कंपनसेशन, और उसी से रिलेटेड एक हाइपोथेसिस है लियोन की, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। So the first question is, what is sex chromatin, or this is also called Barr body. Sex chromatin or Barr body जो है ये एक एक्स्ट्रा इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम्स है। Barr body वहाँ पर देखने को मिलती है जहाँ पर कि सेक्स डिटर्मिनेशन वाई क्रोमोसोम या कुछ दूसरे जीनस में डब्ल्यू के द्वारा डिसाइड होती है, डब्ल्यू क्रोमोसोम्स के द्वारा। तो वहाँ पर दोनों क्रोमोसोम्स अगर एक्टिव होंगे तो डोजेज इफेक्ट आएगी, इसलिए एक इनएक्टिव होता है और वही इनएक्टिव क्रोमोसोम्स है जो एक्स क्रोमोसोम्स है वो हेटरोक्रोमेटाइज होने के बाद डार्क स्टेन्स के रूप में देखा जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड Barr body। इसको 1949 में Barr ने पहले Barr and Bettman ने डिस्कवर किया था, तो बिकॉज ऑफ दैट इसको Barr body बोलते हैं। ये इनिशियली देखा गया कि Barr और Bettman ने 49 में रिपोर्ट किया कि जो कैट्स में नर्व सेल्स हैं उनमें डायमॉर्फिज्म देखने को मिला मेल और फीमेल कैट्स में। तो उन्होंने देखा कि जो सेल न्यूक्लियाई हैं फीमेल के उनमें कुछ डार्क स्टेन्स है जो कि कंसिस्टेंट है, सभी फीमेल्स के न्यूक्लियाई में वो देखने को मिले थे। वो डार्क स्टेन बॉडी को ही उन्होंने Barr ने फिर Barr body या सेक्स क्रोमेटिन बोला। ये क्या, ये हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर है और अराउंड 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है और न्यूक्लियर एनवेलप में इंटरफेस सेल्स पे देखा जाता है। तो ये अगर एक इंटरफेस सेल अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पेरिफेरी पे ये डार्क स्टेन है, दैट इज सेक्स क्रोमेटिन बॉडी या Barr body। अगर हम इसको फैलोजन रिएक्शन से स्टेन भी करें तो ये रिएक्शन फैलोजन रिएक्शन पॉजिटिव भी शो करता है बिकॉज दिस हैविंग द DNA। जो Barr body है ये कॉमनली यूज होता है, यूजली आज के डेट में भी जो वुमेन एथलीट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, जस्ट टू रूल आउट कि क्लाइन फिल्टर्स या कोई दूसरे ऐसे कैंडिडेट्स या एथलीट्स ना हों। जो Barr body है ये इनएक्टिव क्रोमोसोम्स है जैसे हमने बताया, इसका जो इनएक्टिवेशन है वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है, विल डिस्कस दैट पार्ट, हम लोग बाद में उसको देखेंगे। मेरी लाइन के नाम पे उस प्रोसेस को लाइनाइजेशन भी कहते हैं। और अगर हम कंडीशंस के हिसाब से देखें, जो जैसे हमने बताया कि जहाँ कहीं पर भी सेक्स डिटर्मिनेशन वाई क्रोमोसोम्स या डब्ल्यू क्रोमोसोम्स के द्वारा हो रहा है वहाँ पर हमें ये Barr body देखने को मिलेगा। तो एक जनरल रूल आया, डिफरेंट कंडीशंस है कि नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल मेल है या ट्राइसोमी है, मीन्स ह्यूमन के केस में एक्स 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 3 बार है, या टर्नर सिंड्रोम्स हैं जहाँ पे एक्स 0 कंडीशन है, केवल एक ही एक्स हमें देखने को मिलेगा, या क्लाइन फिल्टर्स हैं जो यूनचेस हैं उनमें एक्स एक्स और वाई मिलेगा, या एक्स एक्स के नंबर भी बढ़ सकते हैं। अगर ये कंडीशंस है तो ये क्रोमोसोम्स उसके पैटर्न हो जाएंगे। नॉर्मल फीमेल में एक्स एक्स आएगा, मेल में एक्स वाई आएगा, ट्राइसोमी एक्स में ट्रिपल एक्स आएगा, टर्नर्स में एक्स जीरो या एक्स का कंडीशंस रहेगा, और क्लाइन फिल्टर में एक्स एक्स वाई आएगा। तो जो नंबर ऑफ Barr body है डैट इज एक्स माइनस वन होता है। तो यहाँ पे 2x-1 एक Barr body हमें देखने को मिलेगा, मेल के केस में 1 ही है तो इसलिए यहाँ पे 0 या नो Barr body हमें यह देखने को मिलेगी। ट्राइसोमी में 3-1 2 Barr body हमें देखने को मिलेंगी, और एक्स 0 में 0 मिलेगा, नन मिलेगा। उसी तरह क्लाइन फिल्टर्स में हमें एक Barr body देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हम Barr body को नंबर को जान के जो उनके फिनोटाइप्स है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत इजीली। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम Barr body को आइडेंटिफाई कैसे करें। Barr body को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लैब के अंदर
प्रैक्टिकल्स बहुत सिंपल प्रैक्टिकल्स के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रिमेंबर बहुत सारे मेथड्स है, टेक्नोलॉजी है, हम हेयर रूट जो सेल्स है वहाँ से भी सेल्स को ले सकते हैं, बक्कल स्मीयर भी ले सकते हैं, या कोई भी ऐसा सोमैटिक सेल्स ले सकते हैं जिसको कि हम प्रोसेस करके न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस को पा जाए। तो हमने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स दिखाया है ये हम लोग लैब्स में यूजुअली करते हैं। हमें पहले प्री क्लीन स्लाइड चाहिए, क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा रहे हैं तो हमारी स्लाइड बहुत अच्छी साफ होनी चाहिए। एसिटोऑरेसिन हम लोग प्रेफर करते हैं, इसकी जगह हम लिस्मन स्टेन या मेथिलीन ब्लू जो है वो भी यूज कर सकते हैं, दूसरे और भी जो न्यूक्लियर डाई है वो भी यूज कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप चाहिए हमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई को देखने के लिए, और एपिथेलियल सेल सैंपल्स के तौर पे चाहिए। यहाँ पे हम बक्कल स्मीयर ले रहे हैं, तो माउथ के अंदर हम हल्का सा किसी भी स्पून या ऐसे किसी चीज़ से हल्का सा स्क्रैप करेंगे और उस स्क्रैप को हमने अपने साइड पे लेके प्रोसेस करना। तो सबसे पहले हम अपने माउथ को अच्छे से रिंस कर लेंगे सो दैट कि म्यूकस अच्छे से बने। उसके बाद हम एक स्टरलाइज स्लाइड लेंगे और जो स्क्रैप करेंगे माउथ के अंदर बक्कल कैविटी में, वहाँ से वो एपिथेलियल सेल को हम सुपरफिशियली अपने लेके सैंपल्स को जो ग्लास स्लाइड है उस पर ले लेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई कर लेंगे। उसके बाद हम एक ड्रॉप उस पर एसिटोऑरेसिन जो 2% ऑरेसिन के साथ बना हुआ है, उसमें एस्टिक एसिड है और ऑरेसिन स्टेन है, उसको हम इनक्यूबेट करेंगे 5 to 10 minutes के लिए। आफ्टर इनक्यूबेशन हम उसको वॉश कर लेंगे एस्टिक एसिड से ताकि डार्क बहुत ज़्यादा स्टेनिंग ना हो, 45% एस्टिक एसिड से आप वॉश कर सकते हैं। और उसके बाद ग्लास लाइट को स्लेंट करेंगे सो दैट कि जो एक्सेस हमारा स्टेन है वो वहाँ से रिमूव हो जाए, और डायरेक्टली स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप में दे सकते हैं या आप एक ड्रॉप एस्टिक एसिड के साथ 45% एस्टिक एसिड के साथ माउंट करके कवर स्लिप पे वहाँ पे भी देख सकते हैं। उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, तो अगर मेल के केस में अगर हमने देखा तो हमें मार्जिन पे कहीं पे भी डार्क स्टेन बॉडी देखने को नहीं मिलेगी या बार बॉडी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम फीमेल के केस में देखें तो हमें हर जगह एक पेरिफेरी पे न्यूक्लियस के एक डार्क स्टेन बॉडी कंसिस्टेंटली सभी जगह लगातार हमें देखने को मिलेगा। सो बाय दैट वे वी कैन आइडेंटिफाई बार बॉडी। दूसरा जो कंडीशंस है कि ये बार बॉडी बनता कैसे है, तो इसके लिए एक टर्म आती है डोजेस कंपनसेशन। डोजेस कंपनसेशन इसलिए किया जाता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जो फीमेल्स है दे आर हैविंग 2x और मेल के केस में एक ही एक्स है, और जो वाई क्रोमोसोम है वो केवल सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करता है और उसका कोई एसेस रोल नहीं है। तो अगर फीमेल में 2x है तो जो भी जीन है उनका जो प्रोडक्ट होगा या प्रोटीन होगा वो क्या होगा, डबल कंसंट्रेशन में होगा या दोगुना होगा मेल के कंपेरिजन में। और दोगुना प्रोटीन होने की वजह से क्या है कि वो हमारे बहुत सारे जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस है या इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये सभी को अफेक्ट करेंगे। तो नेचर ने बहुत ब्यूटीफुली एक एक्स क्रोमोसोम्स को इनएक्टिवेट कर दिया सो दैट कि मेल और फीमेल दोनों के केस में एक ही एक एक्स बचे। तो इस कंपनसेशन को बोलते हैं डोजेज कंपनसेशन। टर्म के हिसाब से या आप लोगों को स्टडी पॉइंट से हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। डोजेस ऑफ ए क्रोमोसोम आर ए जीन ऑल्सो रेफर्स टू द जीनोमिक कॉपी नंबर। यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी भी हमें देखने को मिलती है जहाँ पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो दैट रेफर्स टू इंक्रीज इन डोजेज ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स एंड आर वेल टॉलरेटेड। दूसरा एनोप्लॉइडी जो है वो रेफर करता है चेंजेस इन डोजेज ऑफ वन क्रोमोसोम विथ रेस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द जीनोम और दैट आर जनरली डेट्रीमेंटल टू द ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स के लिए ठीक भी नहीं होता है। अगर पार्शियल एनोप्लॉइड्स है डुप्लीकेशन की वजह से या डिलीशन की वजह से वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने एक लिया है हैप्लो इनसफिशियंसी की, तो इनको मेंटेन करने के लिए या जो करेक्ट जीन का डोजेज है उसको देखने के लिए
जरूरी है कि सभी ऑर्गेनिजम्स में डोजेज कंपनसेशन हो, या यूँ कहिए कि एक एक्स क्रोमोसोम्स को हम समहाउ इनएक्टिवेट कर दें। तो अगर हम इसको समराइज करें तो अ फीमेल हैज़ टू एक्स क्रोमोसोम्स एंड अ मेल हैज़ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम्स इन ईच ऑफ द सोमैटिक सेल ऑफ द फीमेल। अ नंबर ऑफ एक्टिव क्रोमोसोम्स इज मेड से, जहाँ पे दो है उसको एक इनएक्टिवेट कर दिया, तीन है वहाँ पे दो को इनएक्टिवेट कर दिया। तो हमारे पास सेम मीन्स वन इन कंपेरिजन टू मेल, दोनों में हमें बराबर मिला। यही इक्वलाइजेशन जो है एक्स क्रोमोसोम का, दैट इज कॉल्ड डोजेज कंपनसेशन। ये क्या होता है, इससे क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड है बाय एक्स लिंक्ड जीन वो दोनों मेल और फीमेल या दोनों सेक्सेस में सेम रहेगा। रिमेंबर, जो एक्स क्रोमोसोम्स है इसका जो इनएक्टिवेशन है ये रैंडम है। बिफोर इंटरिंग द मियोटिक डिविजन्स जो इनएक्टिव एक एक्स क्रोमोसोम है वो भी डीएक्टिवेट हो जाएगा और फिर से एक्टिव में हो जाएगा, सो दैट कि जब मियोटिक डिवीजन हो तो दोनों जो एक्स क्रोमोसोम्स हो दोनों ही एक्टिव फॉर्म में रहें। और जब जायगोट का फॉर्मेशन होगा और जब ब्लास्टुला बनेगा मोरुला के बाद 2 to 8 सेल स्टेज तक, वहाँ पे फिर से रैंडम इनएक्टिवेशन एक एक्स क्रोमोसोम का फिर से इंश्योर होगा, सो दैट कि जो सोमेटिक सेल्स बने उसमें एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन सभी में इंश्योर हो सके। यहाँ पे एक एग्जांपल्स हम आपको दे रहे हैं जो कि एच.जे. मुलर ने बहुत पहले आइडेंटिफाई किया था कि डोजेस कंपनसेशन हो सकता है। जो ड्रोसोफिला फ्लाइज है जिसमें कि मुलर ने काम किया था, उनका मॉडल ऑर्गेनिजम्स था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जो आई का कलर है दैट इज, अगर हम फीमेल के केस में देखें तो एक ही कॉपी है, एक एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन है, एक कॉपी होने की वजह से ये कलर देखने को मिला, जस्ट एक कंपेरेटिव हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। और अगर दो कॉपी हो गई तो इसके कंपेरिजन में आप देखिए कि उसका डोज जो इफेक्ट है प्रोटीन का वो बढ़ गया, तो इससे ये ज़्यादा डार्कर दिख रहा है। ठीक उसी तरह अगर हम मेल के केस में देखें तो एक ही कॉपी है हमारे पास और एक कॉपी सफिशियंट है कि उतना कलर हमें देखने को या दे सकती है, लेकिन अगर हम मेल के केस में दो कॉपी उसकी दे दें तो दैट इज नाउ मोर डार्कर देन दिस फीमेल वन। तो इस तरह से मुलर ने इसको बोला कि ये डोजेस की वजह से हो सकता है। डोजेस कंपनसेशन सिर्फ ह्यूमन में नहीं, ड्रोसोफिला में भी, जैसा अभी एग्जांपल्स हमने दिया सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस सी एलिगेंस जो कि एक निमेटोड है, बहुत अच्छा मॉडल ऑर्गेनिजम्स है, उसमें भी देखने को मिला, मार्सुपियल्स में भी देखने को मिलते हैं, मैमल्स में। तो यहाँ पे जो तीन मेन मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा यूज हैं जेनेटिक स्टडीज़ के लिए, हमने उनका एक कंपेरिजन लिया हुआ है हर्माफ्रोडाइट केसेस में या फीमेल के केस में और ये मेल के केस में। तो 2x है, दो डोजेस दिखा जा रहा है, यहाँ पे ax है, ड्रोसोफिला में xx और xy। लेकिन ड्रोसोफिला के केस में क्या होता है कि डबलिंग ऑफ द एक्टिविटी ऑफ जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम हो जाती है, सो दैट कि ये उसको कंपनसेट कर ले। तो अगर हम साइज के हिसाब से इसको रिप्रेजेंट करें तो x की जो साइज है वो इन दोनों के मिला के मीन्स उसका डबल कर दिया गया है। उसी तरह माउस में देखा जाए, जो मैबल का केस हम ले रहे हैं, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम्स इनएक्टिवेट हो गया और दूसरा एक्स क्रोमोसोम एज इट इज है, तो दोनों इक्वलाइज हो गए, डोज इफेक्ट हो गया एक के इनएक्टिवेशन की वजह से। कंगारू जो मार्सुपियल्स हैं मैमल्स में भी, इसमें सेलेक्टिवली जो पैटर्नल फादर की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है उसको इनएक्टिवेट कर दिया, तो एक एक्स जो मदर के साइड से है और दूसरा एक्स जो मेल में है वो दोनों भी इक्वलाइज हो गए। यहाँ पे सेलेक्टिव है, नेचर ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट किया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पैटर्नल साइड को ही किया, दैट इज द पॉइंट ऑफ रिसर्च ऑल्सो। उसी तरह जो सी एलिगेंस है सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, इसमें
एक्स क्रोमोसोम से और दोनों को एक्टिविटी को यहाँ पे हाफ कर दिए, तो ये दो मिलके और ये एक सिंगल बराबर हो गए। अभी ये इनएक्टिवेशंस होता कैसे है, तो इसको हमने पहले क्रोमोसोम लेवल पे हम लोग लर्न करेंगे, देन वी विल मूव टू इस मैकेनिज्म। पैटर्नल साइड और मैटर्नल साइड दोनों साइड से यहाँ पे हम केवल एक्स क्रोमोसोम्स को देख रहे हैं, बाकी क्रोमोसोम्स का जो पार्ट है जायगोट में या दूसरे रोल उस पार्ट को नहीं देख रहे, क्योंकि वी आर जस्ट कंसर्न विथ एक्स इनएक्टिवेशन। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों एक्स आए, दो कंडीशंस हो सकते हैं, या तो एक्स एक्स बनेगा फीमेल के केस में, या एक्स वाई बनेगा। अगर एक्स वाई बनता है तो कोई बात नहीं, एक्स इनएक्टिवेशन के कोई रोल की जरूरत नहीं थी। अगर फीमेल आती है फर्टिलाइज होम आएगा तो दोनों एक्स आएगा, यहाँ तक तो दोनों एक्स एक्टिव थे। उसके बाद जैसे ही ये डेवलपमेंट स्टेज में आगे बढ़ेंगे ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, माइटोटिक डिवीजन या ट्रोफेक्टोडर्म लेवल के आसपास या 2 to 8 सेल स्टेज के आसपास, यहाँ पे इनएक्टिवेशन स्टार्ट होगा। तो ये इनएक्टिवेशन क्या होगा, रैंडम होगा, कोई भी इन दोनों में से पैटर्नल साइड फादर का साइड या मदर का साइड कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो सकता है। जैसे ही रैंडम इनएक्टिवेशन होगा तो यहाँ पे शो किया गया कि एक एक्स इनएक्टिवेट हुआ, इसमें ये वाला एक्स इनएक्टिवेट हुआ, इसमें भी ये और इसमें ये दूसरा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हुआ। फिर जैसे ये डेवलप करेगा, एक से दो बनेगा, दोनों में एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो गया। सपोज एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे मैटर्नल साइड का जो एक्स है वो इनएक्टिवेट हुआ, तो जो पैटर्नल है फादर वाला एक्स है वही केवल एक्सप्रेस करेगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी पैटर्नल साइड एक्सप्रेस किया, यहाँ पे पैटर्नल साइड इनएक्टिवेट हुआ, मैटर्नल साइड एक्सप्रेस किया, और यहाँ पे मैटर्नल इनएक्टिवेट किया, पैटर्नल एक्सप्रेस किया। तो इस तरह से रैंडम इनएक्टिवेशन हुआ। उसी पार्ट को हम यहाँ पे दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करें, द सेम स्लाइड, एक्स पी एक्स क्रोमोसोम पैटर्नल साइड, एक्स क्रोमोसोम मैटर्नल साइड, और ये दोनों ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे यहाँ पे आ गए। यहाँ तक तो दोनों एक्टिव हैं, लेकिन उसके बाद अर्ली एम्ब्रियोनिक इसके ठीक बाद ही इनएक्टिवेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मैटर्नल साइड यहाँ पे इनएक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पे पैटर्नल साइड इनएक्टिवेशन हो रहा है, और दोनों एक्स जो ये एक्स क्रोमोसोम है फुली एक्टिवेट हुआ, पेरिफेरी पे हमें बार बॉडी देखने को मिल रही है यहाँ पे, और ये जो पी एक्टिव है और ये एम एक्टिव है उसको हमने पी और एम से रिप्रेजेंट किया। और जब ये सोमैटिक सेल बना तो यहाँ पे हमें एडल्ट में एक्स क्रोमोसोम्स का मोज़ेक या दोनों का रैंडमाइज पार्ट हमें देखने को मिलेगा। तो कहीं पे पी है, कहीं पे एम साइड है, तो पी है मीन्स कि एम साइड यहाँ पे इनएक्टिव है, एम है तो पी साइड जो है इनएक्टिव है। इस तरह से हमें ये इनएक्टिवेशन देखने को उस ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगे। अगर हम इसको समराइज करें एज ए होल, जो अभी पार्ट हमने डोजेस कंपनसेशन का दिया, तो हमने ऑर्गेनिजम्स लिया सी एलिगेंस, हमने ड्रोसोफिला लिया, और हमने माइस मैमल के केस को लिया। जो सेक्स क्रोमोसोम्स इसमें है, एक्स एक्स ए है, एक्स जीरो है जो मेल के केस में, और ऑटोसोमल है। जो डोजेज है वो एक्स क्रोमोसोम का अपरेगुलेशन है दोनों सेक्सेस में, और दूसरे केस में जो डीसीसी है वो मेडिएट करता है एक्स का डाउन रेगुलेशन। उसी तरह ड्रोसोफिला में एक्स वाई और एक्स एक्स कंडीशन होता है फीमेल और मेल को आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे एमएसएल जीन है, मेल सेक्स लीथल जीन है, जो मेडिएट करती है एक्स क्रोमोसोम्स के अपरेगुलेशन में। माइस में एक्स और एक्स वाई मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो जीन है जो एक्स इनएक्टिवेशन को, दैट इज कॉल्ड जीस्ट, इसके डिटेल्स अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हुआ फीमेल के केस में जाएगा, और इसमें अपरेगुलेट करेगा एक एक्स जो है फीमेल के केस में और एक वाई। तो इस तरह से वही पार्ट जो हमने वहाँ डोजेस के तौर पे दिखाया था कि किस तरह से उनका एक्सप्रेशन आएगा साइज हमने बढ़ा के, वही पार्ट हमने फिर से यहाँ एक कंपेरिजन के लिए लगाया। ये जो डोजेस इफेक्ट है इसको मेरी लॉयन ने 1961 में एक हाइपोथेसिस के थ्रू इन्होंने सजेस्ट किया, और उनके नाम पे फिर इस हाइपोथेसिस को लॉयन हाइपोथेसिस भी कहते हैं।
इनके अनुसार या ये हाइपोथेसिस के अनुसार जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल में इनएक्टिव होगा एंड बिकम जेनेटिकली इनएक्टिव ऑल्सो। तो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हुआ और सारे जो जीन हुए वो भी इनएक्टिव होंगे, कुछ एक एग्जाम्पल्स को छोड़ के। जैसे एक्स क्रोमोसोम पे जो जिस जीन है वो इनएक्टिव नहीं होगा, अदरवाइज वो इनएक्टिवेशन प्रोसेस को कैरी ऑन ही नहीं कर पाएगा। उसी तरह ये जैसा हमने देखा कि अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में ही होगा, कंप्लीट एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होगा और जो इनएक्टिवेशन है एक्स क्रोमोसोम्स का ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ उस ऑर्गेनिज्म के वो इररिवर्सिबल रहेगा, मतलब वापस वो एक्स क्रोमोसोम एक्टिव नहीं होगा। जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन है ये रैंडम होता है, मेल या फादर साइड से या मदर साइड के किसी भी क्रोमोसोम्स में ये हो सकता है। मार्सोपियल्स में और कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो टिश्यूज हैं प्लेसेंटल मैमल्स में, उसमें जो फादर साइड है वो डीएक्टिवेट होता है। रैंडमाइज तो होता है लेकिन देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस आल्सो। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें कि किस तरह से एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन होता है, तो जो ये इनएक्टिवेशन है वो एक बैलेंसिंग के लिए है एक्स क्रोमोसोम्स को फीमेल साइड से मेल साइड के लिए। तो ये जो इनएक्टिवेशन है एक्स क्रोमोसोम्स का इनएक्टिव कैरेक्टराइज किस तरह से होता है, ओवरऑल जो ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिवेशन है एक्स क्रोमोसोम पे वो पूरा का पूरा होगा, इंक्लूडिंग जो जीस्ट है हेटरोक्रोमेटिक कंडेंसेशन इंटरफेस पे ही हो जाएगा, जहाँ पे हमें वो बार बॉडी के तौर पे देखने को मिल जाता था जैसे हमने डिस्कस किया। लेट रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द एस फेस होगा ऐसे का। डीएनए मैथिलेशन जो है वो सी जो साइटोसिन है सीपीजी आइलैंड में वहाँ पे होगा, और ये 5' जो लिंक्ड एक्स क्रोमोसोम लिंक जीन है वहाँ पे ये अचीव होगा। हाइपोएसिटिलेशन होता है हिस्टोन H4 का, वो इनएक्टिवेशन को प्रमोट करेगा। एक्सप्रेशन ऑफ द जीस्ट जीन इज लोकेटेड एट द एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर, एक्स क्रोमोसोम का जो इनएक्टिवेशन सेंटर है वहीं पे ये जीन लोकलाइज्ड है। अगर हम इसको देखें तो देर आर टू मेन जीन्स, फर्स्ट इज जिस जिसको कि हम एक्स इनएक्टिव स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं या ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। ये जिस जो डिस्कवर्ड किया गया था और फीमेल एक्स में ये इनएक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और देखा गया कि दिस इज आरएनए हैज ए यूनिक प्रॉपर्टीज, इट डज नॉट इनकोड एनी प्रोटीन बट रादर प्रोड्यूसेस 17 किलो बेस फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड नॉन कोडिंग आरएनए। जिस आरएनए इज ओनली एक्सप्रेस इन सेल कंटेनिंग एटलीस्ट 2x वहीं पे करेगा जहां पे कि 2x होंगे, और नॉट नॉर्मली एक्सप्रेस इन मेल सेल्स, जैसा पहले हमने देखा कि जहाँ पर 2x होंगे मेल के केस में केवल एक ही x है तो मेल में ये एक्सप्रेस नहीं होगा, और इसका एक्सप्रेशन डिक्टेट करता है कि एक ही x एक्टिव हो। तो जैसा हमने टेबल के एग्जांपल्स में दिया कि जहाँ पे ट्रिपल x है या डबल x उससे ज़्यादा है तो वहाँ पे वो नंबर ऑफ x -1 करेगा, वही एक एक्टिव रहेगा, बाकी सभी को ये इनएक्टिव या साइलेंस कर देगा। जिस आरएनए रिमेंस एक्सक्लूसिव इन न्यूक्लियस एंड इज एबल टू कोट द क्रोमोसोम्स फ्रॉम विच इट वॉज प्रोड्यूस, तो जिस एक्स क्रोमोसोम से प्रोड्यूस हो रहा है उसी पे वो कोट करेगा, मीन्स कि एक तरह से वो उसको फुली इनएक्टिव कर देगा। पैराडॉक्स क्या है कि जो जिस आरएनए इज एक्सप्रेस फ्रॉम एंड अदरवाइज इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम्स, तो जिस एक्स क्रोमोसोम से है उसी को ये कर रहा है। रिसर्च हैज शोन दैट जिस आरएनए इज बोथ necessary and sufficient for the inactivation and it recruits various silencing proteins complex to deliver the future inactive X chromosomes. दूसरा जो जीन है जो एंटागोनिस्ट है जीस्ट के, दैट इज कॉल्ड TSIX। अगर आप इसको देखें तो दिस इज द रिवर्स, एंटागोनिस्ट होने की वजह से इसको फ्लिप करके लिखा है XIST, जीस्ट का ये उल्टा शब्द है।
सो इट वॉज डिस्कवर्ड सेवरल ईयर्स आफ्टर द जिस्ट और देखा गया कि ये एंटीसेंस के काम तौर पे काम कर रहा है. ये भी एक 40 KB किलोबेस का नॉन कोडिंग आरएनए है और ठीक उसके अपोजिट ये जिसके काम करेगा. तो व्हेन TSIX एक्सप्रेशन इज रिड्यूस ऑन 1x जिस एक्सप्रेशन इंक्रीजेस एंड लीड्स टू द इनएक्टिवेशन ऑफ दैट एक्स क्रोमोसोम. इन कंट्रास्ट ओवर एक्सप्रेशन ऑफ TSIX प्रिवेंट्स इंक्रीज इन जिस एक्सप्रेशन एंड ब्लॉक्स द इनएक्टिवेशन इन सिस और अदर सेम एक्स क्रोमोसोम्स. दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एक्सप्रेशन ऑफ TSIX इज रिक्वायर्ड टू एंटागोनाइज जिस ऑन द फ्यूचर एक्टिव एक्स क्रोमोसोम. यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं कि बार बॉडी हमें देखने को मिली. बार बॉडी क्यों मिली? क्योंकि डोजेज इफेक्ट की वजह से एक एक्स क्रोमोसोम्स का इनएक्टिवेशन हुआ. हमने एग्जाम्पल्स पॉलीप्लॉयडी या एनोप्लॉयडी या पार्शियल एनोप्लॉयडी में भी देखा कि उसकी वजह से बहुत सारे डिफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स ऐसा लेना चाह रहे हैं कि डोजेज कंपनसेशन की वजह से जो पैटर्न है कलर का, कोट का, जैसे हमारी स्किन पे कोट है, हेयर्स हैं, उनके पैटर्न में भी चेंजेस आते हैं इनएक्टिवेशन की वजह से. तो हम यहाँ पे मॉलिकुलर लेवल पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजिनेजेस वगैरह के, हम वो ना लेके हम यहाँ पे कैट्स के ले रहे हैं, कैलिको क्लैट्स, जिनमें एक्स इनएक्टिवेशन दिखा जाता है. तो यहाँ पे दो हमने लिया है, कैलिको कैट विथ वाइट, जिसमें कि हेयर फॉलिकल से वो डिराइव होते हैं एम्ब्रियोनिक सेल से, और इसमें जो मैटरनल क्रोमोसोम्स है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा और ग्रो करेगा ब्लैक हेयर. तो उसका जो कारण क्या है कि यहाँ पे पैटर्नल जीन केवल एक्सप्रेस कर रहा है और जो हेयर फॉलिकल है ये डिराइव कर रहा है एम्ब्रियोनिक सेल से, जहाँ पे कि पैटर्नल क्रोमोसोम्स इनएक्टिवेटेड था वो ग्रो करेगा रेड कलर को. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेस किया मैटर्नल जीन को. ठीक इसी के अपोजिट जो टर्टोइज सेल या नो वाइट है, दूसरा जो कैट है, इसमें क्या करता है कि ये वाइट पैचेज नहीं होते, विच इज कंट्रोल्ड बाई ए सेपरेट जीन. तो इस वजह से एक हमें वाइट पैच के साथ देखने को मिल रही है, दूसरा हमें फुली ब्लैक या रेड कलर की हमें टर्टोइज सेल जो कैट है वो देखने को. तो होता क्या है इसमें कि जो प्राइम एग्जाम्पल एक्स इनएक्टिवेशन का है, पोर्ट कलर पैटर्न जो हमने अभी कैलिको और टर्टोइज सेल कैट में देखा, ये कैट में फर का जो पिगमेंटेशन है वो एक्स लिंक्ड है और एक्स लिंक में पैटर्नल साइड और मैटर्नल साइड पे दोनों का जो एक्सप्रेशन है कोट कलर के लिए वो वैरी कर रहा है. उनके वेरिएशन की वजह से ये हमें दो पैटर्न्स देखने को अलग अलग मिल रहे हैं. जो एक्स इनएक्टिवेशन है ये टू डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, रैंडम भी कर रहा है और इम्प्रिंटिंग के फॉर्म में. बोथ फॉर्म्स यूटिलाइजेज द सेम आरएनए एंड साइलेंसिंग एंजाइम्स. दे डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर डेवलपमेंटल टाइमिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ओनली. तो इस वजह से ये पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट फर्स्ट ऑफ जेनेटिक्स, ब्लॉक 1 हमने इस तरह से आज कंप्लीट किया. इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस देन यू मे कॉल मी और यू जस्ट राइट डाउन ऑन माय ईमेल एड्रेस. आई वुड लव टू रिप्लाई एवरी क्वेश्चंस ऑफ माय लर्नर और स्टूडेंट्स. थैंक यू.